हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माय डियर चिल्ड्रेन, आज का जो कंप्यूटर का लेक्चर है वो है क्लास 2 का कंप्यूटर का लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है? चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, ठीक है? ये चैप्टर 4 का नाम है ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर। प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं ये हमने जाना था स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करते हैं, फिर यूपीएस का स्विच ऑन करते हैं, देन सीपीयू, देन मॉनिटर, ठीक है? ये हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। और हमने पढ़ा था कि वॉलपेपर क्या होता है, ठीक है? वॉलपेपर के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिए, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे आइकन्स क्या होते हैं, ठीक है? कंप्यूटर पे जो छोटे छोटे जो बने हैं, सी पिक्चर देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो बॉक्स बने होते हैं ना छोटे छोटे अलग अलग डिजाइन के, ये होते हैं आपके आइकन। कंप्यूटर की स्क्रीन पे बॉक्स बने होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आइकन होते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिया हुआ आइकन का। ये है कंप्यूटर का आइकन, ये है नेटवर्क का आइकन, और ये है रिसाइकिल बिन का आइकन, ठीक है? अब कंप्यूटर का आइकन क्या, आप लोग सोचेंगे कंप्यूटर कंप्यूटर का क्या आइकन का मतलब है। कंप्यूटर का आइकन का ये होता है, अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस ओपन होगा एक, ठीक है? एक कॉमन आइकन है ये डेस्कटॉप का, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो एक पिक्चर ओपन होगी जिसमें आपको आपके कंप्यूटर में जो भी आपके ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव्स, और आपके कंप्यूटर में जो फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह शो करेंगी। माई कंप्यूटर का मतलब जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो शॉर्ट में वहाँ पे शो करेंगी माई कंप्यूटर में, ठीक है? नेटवर्क का ऐसा ही है। और रिसाइकिल बिन का क्या है, रिसाइकिल बिन के जब भी आप कंप्यूटर से कोई पिक्चर, कोई सॉन्ग, कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके सेव हो जाता है, रिसाइकिल बिन में, ठीक है? अगर आप रिसाइकिल बिन से भी कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है बच्चों? चलिए इसे पढ़ते हैं डिटेल में। आइकन, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। जो डेस्कटॉप पे यानी मॉनिटर पे, डेस्कटॉप पे जो स्मॉल आइकन, जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आइकन कहलाती हैं, ठीक है? सम ऑफ द कॉमन आइकन ऑन द डेस्कटॉप आर कंप्यूटर नेटवर्क एंड रिसाइकिल बिन, ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे व्हेन वी डबल क्लिक ऑन आइकन, जब हम आइकन पे डबल क्लिक करते हैं इट ओपन एन ऐप, ऐप ओपन होता है जिसे हम कहते हैं विंडो, ठीक है? हम कहते हैं ना दूसरी विंडो ओपन हो गई, इसे कट करो, हमें कोई और विंडो चाहिए, ठीक है? तो ये जो कोई भी आइकन है, जैसे कंप्यूटर का आइकन था, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो ओपन होगी, ठीक है? यानी एक पेज ओपन होगा जिसमें वो फाइल्स होंगी जिससे रिलेटेड आइकन पे आपने क्लिक किया है, ठीक है? वी कैन ओपन मेनी विंडो एट अ टाइम, हम एक ही समय पे कई सारे विंडो को ओपन कर सकते हैं। वी कैन क्लोज द विंडो यूजिंग द क्लोज बटन, हम कोई भी विंडो क्लोज कर सकते हैं। ऊपर यहाँ कॉर्नर में बच्चों, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता होगा, एक माइनस की बटन होती है, एक प्लस की होती है, और एक क्या होता है ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस का सिंबल होता है, ठीक है? तो जो क्रॉस का बटन होता है उस पे हम क्लिक क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा, ठीक है? और जो माइनस बटन होती है उस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका विंडो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे टास्क बार में आ जाएगा, ठीक है? और जो प्लस, जो ऐसे एक बॉक्स बना रहता है उस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो का साइज क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। टास्क बार, अभी मैंने बताया ना कि जब आप माइनस पे क्लिक करेंगे तो विंडो क्या होती है, छोटी, छोटे फॉर्म में, छोटी सी पिक्चर के फॉर्म में नीचे टास्क बार में आ जाती है। देखते हैं टास्क बार होता क्या है। द टास्क बार इज द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है? आप लोग को एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रही हूँ, रो वेट वेट वन सेकेंड, हाँ इस पिक्चर में आप लोग देखिए, ये जो नीचे एक लाइन है ना, ये देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, नीचे एक लाइन है, सी ये एक लाइन है ना, और एक नीचे से भी, ये जो बॉक्स है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही क्या है आपकी टास्क बार, ठीक है?
इसे ही हम कहते हैं टास्क बार, यानी आपके जो डेस्कटॉप पे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं टास्क बार, ठीक है। इसमें इधर होता है आपका टाइम होता है, और इधर नेटवर्क कनेक्टिविटी, लैंग्वेज और टाइम, ये सारी चीज़ें इधर शो करती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें। और इधर आपका स्टार्ट मेनू होता है, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं ऐप वो होते हैं, ठीक है, ब्राउज़र हो गया, ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड, और इधर राइट साइड टाइम शो करता है, ठीक है, टास्क बार में। और अगर आप कोई विंडो अगर मिनिमाइज कर देते हैं तो वो भी आपके टास्क बार में शो करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये तो मैंने आप लोग को शॉर्ट में बता दिया। इट शोज मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज, टास्क बार में क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स शो होती हैं, स्टार्ट बटन बताया मैंने आप लोगों को, आइकन्स ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंड ओपन प्रोग्राम, जो भी हम आइकन यूज कर रहे होते हैं या जो भी प्रोग्राम ओपन होता है वो भी नीचे टास्क बार में शो करता है। टूडेज डेट एंड करेंट टाइम, आज की डेट क्या है, टाइम क्या है, ये भी टास्क बार में शो होता है। देखिए ये है ना, ये आपके क्या है, ये टास्क बार है, यहाँ से लेके ये जो पूरा ये जो बॉक्स है इतना लंबा वो क्या है, टास्क बार। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका स्टार्ट बटन, ये है आपका ब्राउज़र, क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र, ऐसे करके अलग अलग ब्राउज़र आते हैं ना, ब्राउज़र हो गया, और इधर देखिए आपका डेट एंड टाइम हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। द स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, जो स्टार्ट बटन है वो लेफ्ट कॉर्नर में शो करती है टास्क बार के। ये क्या है, लेफ्ट कॉर्नर है ना, ये यहाँ पे देखिए स्टार्ट बटन शो कर रहा है, ठीक है। वेन वी क्लिक दिस बटन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम और एप्स अपीयर, जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम की एक लिस्ट ओपन हो जाती है और एप्स भी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है कुछ। दिस लिस्ट इज कॉल्ड द स्टार्ट मेनू, और ये जो लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं स्टार्ट मेनू। वी कैन यूज स्टार्ट मेनू टू डू सम कॉमन टास्क सच एज स्टार्टिंग अ प्रोग्राम एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। और हम स्टार्ट मेनू का यूज क्यों करते हैं, कुछ कॉमन जो टास्क होते हैं या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या फिर कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, यानी कंप्यूटर को बंद करने के लिए, ठीक है। अब देखेंगे शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे, ठीक है, शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को कैसे बंद करेंगे आप, चलिए देखते हैं। टू शट डाउन अ कंप्यूटर करेक्टली फॉलो दीज स्टेप, कंप्यूटर को सही तरीके से बंद करने के लिए ये स्टेप्स दिए गए हैं नीचे, उसे फॉलो करना चाहिए सबको, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। यू शुड ऑलवेज शट डाउन अ कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज इट सेव इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आपको कंप्यूटर का यूज ना हो आपको कंप्यूटर बंद कर देना चाहिए, इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बचत होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करेंगे, यानी बंद कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, टास्क बार में जो स्टार्ट बटन होता है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन शट, सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन शट डाउन इन द स्टार्ट मीनू, और स्टार्ट मीनू में जो शट डाउन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे। आइए पिक्चर में दिखाते हैं आप लोग को, ये है देखिए आपका टास्क बार, ठीक है, यहाँ पे क्या है स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करेंगे जब आप तो ये आपकी लिस्ट ओपन होगी प्रोग्राम्स एंड ऐप्स की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको शट डाउन का भी ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैसेज शोइंग दैट द कंप्यूटर इज शटिंग डाउन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर, आपके जो मॉनिटर है यानी जो आपका ये मॉनिटर है जो डेस्कटॉप है उस पर शटिंग डाउन का एक मैसेज शो करेगा, जब आप शट डाउन पे क्लिक कर देंगे तो शटिंग डाउन का एक मैसेज शो करेगा, ठीक है, यानी कंप्यूटर आपका बंद हो रहा है इसका मैसेज शो करेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, स्विच ऑफ द मॉनिटर, अब आपको क्या करना है मॉनिटर की जो यहाँ पे एक छोटी सी एक बटन होती है ना मॉनिटर को भी ऑन करने की, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, यूपीएस को ऑफ कर देना है, नीचे होता है ना, देखिए ये बच्चा यूपीएस को ऑफ कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच ऑफ द मेन पावर, उसके बाद लास्ट में आपको जो मेन पावर बटन होती है स्विच की उसे ऑफ कर देना है, ठीक है।
आइए देखते हैं ब्रेन बॉक्स में क्या है। समटाइम्स द पावर सप्लाई इज केप्ट ऑन टू कीप द यूपीएस चार्जिंग। कभी कभी हम यूपीएस को ऑन रख देते हैं, ठीक है, उसमें पावर सप्लाई होने देते हैं चार्जिंग के लिए, यूपीएस को चार्ज होने के लिए, ठीक है। यूपीएस बंद करते हैं लेकिन चार्जिंग के लिए उसे ऑन भी रख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 4 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। और हाँ बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका देखिए चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया है, धीरे धीरे आपका पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत होइए, आप लोग बैठ के आराम से घर पे स्टडी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। में बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।